हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS अकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, हम लोग भूगोल के MCQs सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग के जो 6 पार्ट था, मतलब हर एक पार्ट में हम लोग 25 MCQs को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग का 7वां पार्ट है। तो गाइज़, पिछले 6 पार्ट का जो वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो गाइज़ प्लीज़ जाके देखिए, या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो गाइस हम लोग का 151 क्वेश्चन देखिए, 150 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो देखिए, महासागरों में ऊँची जल तरंगे कैसे उठती हैं। तो देखिए, महासागरीय क्षेत्र में जब कभी भी भूकंप आता है, तो क्या होता है, तो ऊँची ऊँची तरंगे उठती हैं, वही क्या होती है, सुनामी कहलाता है। तो गाइस, सुनामी कैसे आता है, तो जब महासागरीय क्षेत्र में जब कभी भी भूकंप आता है तो तभी सुनामी आता है, बिना भूकंप के कभी भी सुनामी नहीं आता। तो गाइस, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे उत्तम किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है वह मरकाना में पाया जाता है। अब ये मरकाना कहाँ पे है, तो राजस्थान का एक क्षेत्र है मरकाना नाम से, वहाँ पे सबसे उत्तम कोटि का संगमरमर पाया जाता है। इसे यूनेस्को के सार्वत्रिक धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। तो गाइज़, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसे यूनेस्को में भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो गाइज़ चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153 नंबर क्वेश्चन है कि लावा मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी मालवा पठार का क्षेत्र कहाँ पे है, तो एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में और गुजरात के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है मालवा का पठार, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लावा मिट्टी पाई जाती है। तो गाइज, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये एग्ज़ाम के पूछा गया है, तो गाइज आपको एकदम ध्यान से देखना। आपके रेलवे में तो खैर पूछा जाता है, आपके पीसीएस लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत के दो तट हैं, ये वाला जो तट है, ये वाला तट, ये पूरा क्या है, पूर्वी तट, और ये वाला जो तट है, ये आपका, ये क्या है, पश्चिमी तट, ठीक है। तो जो आपका पूर्वी तट पूछा गया, तो ये वाला तट पूछा गया, तो आपके जो पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, पूर्वी तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार इस टाइप का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज़, एकदम ध्यान से देखना है आपको, और वीडियो को अंत तक देखना है, और गाइज आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। आपको ये सब सारे प्रश्न जो है आपको एक टेस्ट के रूप में देना है। तो गाइज चलिए हम बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर श्रेणी स्थित है। तो देखिए, जांस्कर जो श्रेणी है वो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। जांस्कर श्रेणी कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आपके व्यापम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो देखिए, झारखंड में कोयला और लोहा, है ना, कोयला और लोहा दोनों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है पूरे भारत में, कोयला और लोहे का, तो कहाँ होता है, झारखंड में कहाँ पे, तो छोटा नागपुर के पठार में। ये सब कोयला व लोहे की खदानें हैं, और ये किस में आता है, तो झारखंड राज्य में आता है। तो गाइज, आप समझ में आ गया, कोयले का उत्पादन में सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है। तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है भारत में गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर है। और गाइज, मैंने झीलों के ऊपर, भारत की झीलों के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो गाइज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है।
तो देखिए भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो सबसे प्राचीन है अरावली, सबसे नवीन हिमालय, सबसे प्राचीन अरावली। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हम लोग का 159 क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। 160 की ओर देखते हैं। 160 नंबर प्रश्न हमारा, उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड स्थित जो टिहरी बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा स्थित बांध भी है टिहरी बांध, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है और किस नदी पे बना है, तो भागीरथी नदी पे। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील पाया जाता है, मतलब सांभर झील स्थित है। तो जो सांभर झील है वो कहाँ स्थित है, तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो गाइज मैंने जैसे बताया भी झीलों के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो गाइज प्लीज़ जाके देखिएगा आप लोग, है ना। तो जो सांभर झील कहाँ पाई जाती है, तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। सांभर झील पाई क्या जाती है, मतलब सांभर झील जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में जो सबसे कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र है वह है जैसलमेर राजस्थान। देखिए आपको ये तो पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, जो सबसे कम जो वर्षा होती है वो राजस्थान में होती है। अब राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा होती है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो जो भारत में राजस्थान में जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो गाइस यह क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है। तो देखिए गाइस जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो शरावती नदी पे बना हुआ है। मतलब 163 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, शरावती नदी पे। ठीक है, शरावती नदी पे जोग जलप्रपात बना हुआ है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके RRB में पूछा गया, NTPC में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, और आपके PCS लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा गाइस, देखिए हमारा 164 नंबर प्रश्न है, भारत की तट रेखा है। अब देखिए जो भारत की जो तट रेखा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो भारत की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। 6100 किलोमीटर लंबी भारत की तट रेखा है। और भारत की तट रेखा किसे कहते हैं, देखिए भारत का वह क्षेत्र जो समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है ना, उसे क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र जो जिसके चारों, मतलब कि जिसके जिसकी सतह से लगा हुआ क्या है, समुद्र है। अब ये देखिए ये गुजरात के कच्छ वाले रीजन से लेके इधर पूरा कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक, और पूरा क्या है, समुद्री क्षेत्र है। तो गाइस इसे ही बोलते हैं तट। अब 9 तट हैं भारत के, कितने राज्य तटों के किनारे हैं, तो 9 राज्य जो है तटों के किनारे स्थित है। तो इनकी कुल सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर लंबी है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 22%, मतलब भारत की कुल भूमि में, भारत की कुल भूमि के 22% क्षेत्र में, फिर से सुनिए, भारत की कुल भूमि के 22% क्षेत्र में क्या है, वन पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। देखिए छोटा नागपुर के पठार में 3 राज्य आते हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जो बिहार राज्य है, ये बिहार राज्य छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें यही पूछा है कि छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बिहार। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 167 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है। देखिए हिमालय अराकान योमा पर्वत कोई अलग से पर्वत नहीं है, अराकान योमा पर्वत हिमालय पर्वत ही है, बट इसे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो अराकान योमा जो है वो हिमालय ही है, लेकिन इसे म्यांमार में अराकान योमा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अराकान योमा कहाँ स्थित है, तो कहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके UPSC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि UPSC में पूछा गया तो आपके रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, SSC में पूछा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168। देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी, पहले तो ये देखिए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला का है ये। तो गुरु शिखर पर्वत जो है वो अरावली पर्वत का ही भाग है, ठीक है, अरावली पर्वत की ही है। क्या है, चोटी है ये, कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत अरावली पर्वत का भाग है, कौन से पर्वत का भाग है, तो अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत का भाग है। और कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो देखिए, भारत मैंने बताया था शायद 160 या 162 ऐसे नंबर, ऐसे 161 या 162 समथिंग क्वेश्चन बताया था, जहाँ पे तट रेखा की बात हुई थी। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट के किनारे बसे हुए हैं। भारत के 9 राज्य तट के किनारे बसे हुए हैं। अभी गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो तट के किनारे बसे हुए राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है, 9। इसमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य जो है वो, सबसे बड़ा राज्य मतलब कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी वाली तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात है ये। और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, गोवा, ठीक। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज की गई थी। तो भारत में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज कहाँ की गई थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी वाले क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या हुआ था कि कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोई करके एक क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। आगे प्रश्न है उस इससे ही रिलेटेड, तो गाइज आपको ध्यान में रखना है। अब हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। देखिए, निम्न में से कौन आसाम का तेल शोधक कारखाना है। तो देखिए, डिगबोई जो है ना, डिगबोई आसाम के डिगबोई में तेल शोधक कारखाना स्थित है। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए हम अपने पूरे भारत में जितना भी तेल उपयोग में होता है उसका 30% ही हम क्या है अपने देश से प्राप्त करते हैं। बाकी 70% जो है वो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। तो गाइस ये जो 30% जो भाग है, तो इसमें आसाम का क्षेत्र है, मथुरा का क्षेत्र है, और मुंबई हाई है, यहाँ से क्या है तेल निकाले जाते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कोयले का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत में कोयले का जो उत्पादन है वह कब से प्रारंभ हुआ, तो 1774 ईस्वी से, 1774 ईस्वी से कोयले का उत्पादन प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1774 ईस्वी से, 1774 ईस्वी से कोयले का उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि नर्मदा नदी मिलती है, मतलब इसमें पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ पे जाके मिलती है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन लोगों को पता है तो आसानी से आंसर कर जाएंगे। ये देखिए, भारत है हमारा, और जो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये यहाँ से निकलती है और बहते बहते कहाँ पे गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, खंबात की खाड़ी, नर्मदा और ताप्ती। आपको ध्यान से देखना, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो गाइज ये हम लोग का हो गया 173। अब 174 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, लातूर किस प्रांत में स्थित है। तो देखिए, लातूर जो है वो कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र। लातूर इसलिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं बोला जाएगा, फेमस इसलिए है क्योंकि लातूर में बहुत बड़ा भूकंप आया था 1960 के आसपास, बहुत बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो लातूर जो था वो मतलब कि लातूर में ही आया था। और लातूर किस प्रांत में है, तो महाराष्ट्र में लातूर है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक बब्बर शेर लॉयन का निवास कहाँ है। जैसे देखिए, हम लोग एशिया के गिर शेर है ना, जो एशियाटिक बब्बर शेर है इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एशिया के गिर शेर। तो जो जो एशियाटिक बब्बर शेर है वह कहाँ पाया जाता है, तो गिर वन में पाया जाता है। और ये गिर वन कहाँ पे है, तो गुजरात के क्षेत्र में है। तो एशियाटिक बब्बर शेर लॉयन का निवास कहाँ है, पे तो गिर शेर में। ये गाइस आपके यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो गाइज़ आपको देखिए हर एक प्रश्न को एकदम ध्यान से देखना है और उसका आंसर देना है। तो गाइज़ आज का टॉपिक हम लोग का हो चुका है सॉल्व, हम लोग आज 25 MCQ को सॉल्व कर चुके हैं। तो गाइज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 25 में से कितने
प्रश्न सही हुए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस प्लीज डू लाइक्स एंड शेयर। एंड तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 25 में से। और गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइस इस टाइप की वीडियो को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लिया करें और टेस्ट के तौर पर इसको सॉल्व किया करें। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।